हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BCS यानी कि बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? BCS इज अ सिस्टम विच इज यूज टू डिफरेंशिएट द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। BCS क्या होता है? BCS एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन USP या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यह क्लासिफिकेशन USP फार्माकोपिया पे बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू BCS ड्रग सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। अगर BCS क्लासिफिकेशन को देखते हुए ड्रग सब्सटेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है, वो उस डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी कैसी है। देखते हैं हम लोग क्लास ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, उसकी सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी और उसके एग्जांपल। पहला क्लास होता है क्लास फर्स्ट, जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी भी हाई होती है। उसके एग्जांपल मेटाप्रोलोल होता है। क्लास सेकंड की सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत ही लो होती है, लेकिन परमेबिलिटी उसकी हाई होती है। इसका एग्जांपल होता है एसिटोफिनेक। नेक्स्ट क्लास होता है क्लास थर्ड, जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है बट परमेबिलिटी इसकी लो होती है। इसका एग्जांपल होता है सिमेटिडीन। नेक्स्ट क्लास होता है क्लास फोर, इसका सॉल्युबिलिटी जो होती है लो होती है और परमेबिलिटी भी लो होती है। इसके एग्जांपल होते हैं बिफोनाजोल। अब हम लोग देखते हैं क्लास फर्स्ट क्या होते हैं, क्लास सेकंड क्या होते हैं और क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास फर्स्ट। दीज कंपाउंड आर वेल एब्जॉर्ब ऑन देयर एब्जॉर्प्शन रेट इज यूजुअली हाई देन एक्सक्रीशन। इसके एग्जाम्पल पैरासिटामोल होते हैं। यानी कि क्लास फर्स्ट ये बता रहा है कि जो कंपाउंड होते हैं वो एक्सक्रीशन से ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होता है। मेक टेबलेट्स और ओरल डोजेस फॉर्म इजिली। इसमें हम लोग टेबलेट्स को इजिली फॉर्म कर सकते हैं जो कि ओरल फॉर्म में इजिली लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास होता है क्लास सेकेंड। दिस कंपाउंड हैव गुड एब्जॉर्प्शन बट स्लो डिसोल्यूशन एंड लो सॉल्युबिलिटी। यानी कि इस क्लास के कंपाउंड जो होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन तो गुड होता है बट डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी रेट बहुत ही लो होता है। इसके एग्जांपल होता है फिनाइटोइन, बाइकेलुटामाइड। नेक्स्ट क्लास होता है क्लास थर्ड। दीज आर द कंपाउंड हैव गुड सॉल्युबिलिटी बट लो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लो परमेबिलिटी। यानी कि इस क्लास के जो ड्रग होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है और उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्लास होता है क्लास फोर। दीज कंपाउंड हैव लो एब्जॉर्प्शन एंड लो सॉल्युबिलिटी। यानी कि इस क्लास के ड्रग जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, पुअर बायोबिलिटी, जिसके कारण कि इसका बायोबिलिटी भी बहुत ही पुअर आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया। इसके ड्रग को 4 क्लास में बांटने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। सॉल्युबिलिटी क्लास बाउंड्रीज आर बेस्ड ऑन द हाइएस्ट डोज स्ट्रेंथ ऑफ अ इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट्स। अ ड्रग इज कंसिडर्ड हाईली सॉल्युबल व्हेन हाइएस्ट डोजेज स्ट्रेंथ इज सॉल्युबल इन 20-50 ml ऑफ और लेस ऑफ एक्वस मीडिया ओवर द pH रेंज ऑफ 1-7.5। यानी कि ये जो क्राइटेरिया होता है वो सॉल्युबिलिटी के सॉल्युबिलिटी और उसके बाउंड्रीज पे बेस्ड होते हैं, जो कि pH पे भी बेस्ड होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी 250 ml वाटर में देखा जाता है। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। 250 ml वाटर, उसका pH होता है 1-7.5, हाईली परमेबिलिटी मोर देन 90% और मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर ये हाईली परमेबिलिटी 90% में होता है तो मोर एब्जॉर्प्शन ड्रग होता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? पहला सिग्निफिकेंस होता है यूजफुल इन फार्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। यह जो क्राइटेरिया होता है वो डोजेज फॉर्म को फार्मुलेशन में बहुत हेल्प होता है। यूज टू डेवलप क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग API की क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज होता है। स्टिमुलेट फूड इफेक्ट ऑन बायोएबिलिटी, यह फूड इफेक्ट बायोबिलिटी को भी स्टिमुलेट करता है। यूज टू स्टडी IVIVC, यानी कि इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन जो होता है उसको स्टडी करने के लिए यूज होता है।